हमें किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ आप रहते हैं वो दिखाएं जगह, तो लॉबी तो हम आप लोग को दिखा चुके हैं। हमारी ये लॉबी है, ये फ्रंट साइड है। अब इसकी बैक साइड से हम लोग आज जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिसकी बैक साइड है, मोस्टली इधर पार्किंग होती है मोटर बाइक की, और इस तरफ हमारे मेल बॉक्स वगैरह सब घरों के। A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. इधर से चले हमारी फैसिलिटीज जो हमें यहाँ कॉन्डोमिनियम में हमें मिलती है वो आपको दिखाते हैं। ये पूरा पार्किंग एरिया है, बिल्डिंग और ठीक है, अंधेरा भी हो रहा है। हाँ जी, तो आपको पूरा हम नहीं दिखा पाएंगे, होपफुली किसी दिन ज़रूर दिखाएंगे। स्विमिंग पूल पहले बंद थे कोविड की वजह से, लेकिन अभी खोल दिए गए हैं। ये जी छोटा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए, तकरीबन 1 फीट होगा, 1.5 फीट, 0.6 मीटर है। और ये बड़ा है, यहाँ पर हम लोग अक्सर वॉक के लिए आते थे और स्विमिंग के लिए तो बहुत आते थे, लेकिन अभी ये कि फैसिलिटीज़ खुल गई हैं तो अभी हम लोग आ सकते हैं आफ्टर स्विमिंग। इधर लेडीज़ टॉयलेट है, वहाँ पर जेंट्स टॉयलेट है, और इसको एज अ बारबेक्यू एरिया यूज़ किया जाता है। तो ये जो है जी फैसिलिटीज़ हमारे कॉन्डो की, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। उस तरफ जो है टेनिस कोर्ट है, और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो है इधर कैफेटेरिया होता है, लेकिन सुबह के टाइम खुलता है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा ऊपर से भी दिखाना चाहूँगा कि बादलों के बीच में यार ये चांद देखो, अच्छा लग रहा है। वो जी सामने मारिया वॉक पर चल पड़ी है, अभी काफ़ी अंधेरा हो गया। कमिंग कमिंग, मैं अभी इसकी तरफ चलूँ, साथ आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ भी दिखाऊं। ये जी यहाँ पर टेनिस और जो बैडमिंटन सबसे ज़्यादा बहुत पसंद किया जाता है। अब टेनिस कोर्ट के अंदर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, इमेजिन। हेलो, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ये सब कुछ जो है इस पर हम पे नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उसके मेंटेनेंस जितनी भी होती है वो हमारे रेंट में या हमारे जो ओनर्स होते हैं वो पे करते हैं, हम सिर्फ इंजॉय करते हैं लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ये जी टेनिस कोर्ट है जी, इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर, है ट्रांसफार्मर वगैरह इधर, और आपको हर ब्लॉक के साथ है। यस, हर ब्लॉक के साथ। कुत्ते रखना अलाउ तो नहीं, लेकिन छोटे पपीज वगैरह अलाउ हैं। जैसे ये लेडी उठा के आ रही है, उठा के तो नहीं चला के ला रही है, ये ज़माने में हमारे पास भी था, हमारे पास भी था। लेकिन इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है आपके जो मैनेजमेंट है वहाँ उनसे, और फिर आप जो हैं पेट्स रख सकते हैं। और हमारे इस फेस की तरफ आप अगर दूसरी तरफ देखें सामने, तो सारी शॉप्स आ जाती हैं,
जहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, जहाँ से हम अक्सर वॉक करके अपनी चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। ये जी शॉप्स वगैरह, यहाँ से हम अक्सर जहाँ से लेडी आ रही है, और हम अक्सर वॉक करते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं। तो ये जो यहाँ पे हम वॉक करके जा सकते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम वॉक करें। फायदे वॉकिंग के, जेब के भी और टांगों के भी। ओके। हमारी जो पूरी सराउंडिंग है बिल्डिंग की, ठीक है, हर फैसिलिटी है यहाँ पे 24/7, मतलब 24 घंटे क्लिनिक है, केके है जो 24 घंटे खुली रहती है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं यहाँ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। फिर मतलब क्लिनिक्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, फिर थोड़ा सा आप इसके गेट चले जाएं जहाँ फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं। तो ये है कि पूरा एरिया जो है हमारे रीच में चीज़ें हैं सब कुछ। अब यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है, बच्चों के लिए पार्क भी है, और हम मास्क उतार सकते हैं। यस, मास्क उतारना भूल गए, अभी मास्क उतार के हम घूम सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि अभी अलाउ कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। यस, तो हम वॉकिंग कर सकते हैं अभी। अब लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये है कि लोग आते तो साइड पर खुद ही हो जाते हैं, इतनी अवेयरनेस सब में है। उफ, सारा पसीना, सीने से मास्क, मास्क नहीं, हमारा मुंह पसीने से भर गया। आज हम लोग कितने अरसे बाद आए, मेरे ख्याल में 7-8 महीने हो रहे हैं। 7-8 महीने, मेरे ख्याल साल के बाद आ रहे हैं वॉकिंग के लिए। हाँ, वॉक के लिए शायद। ये जी दरख्त देखिए कितने ऊंचे हैं, वही दिन में बहुत खूबसूरत लगता है। यस, और सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना स्पेशली वो बहुत अच्छा लगता है। ये मनी प्लांट आ गया नीचे। यस, अगर आप मनी प्लांट देखें ऊपर से, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इस दरख्त से इसकी बेलें अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी दिन दिन में आपको दिखाएंगे जरूर। जबरदस्त, ट्राई टू कैच, लेट्स सी। नहीं नहीं, मनी प्लांट नहीं, कोई और पौधा है। लेकिन अच्छा लग रहा है यार, कोई और पौधा है, अच्छा लग रहा है। मनी प्लांट पहले मनी प्लांट ही था, इन्होंने मैखल यहाँ से हटा दिया। कलर देखो तुम, और साथ में चांद को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वाओ, जबरदस्त। उफ, मच्छर भी बहुत है। मच्छर तो होंगे क्योंकि ग्रीनरी है ना। सैनिटाइजर तो लाई हूँ, मगर अगर वो ही लगा लो फिर। ओके, लेट्स गो। Untold stories they were left behind. क्या हो रहा है? तो खूबसूरत लग रहा है सारा। वाकई, ये जी हम लोग एक साल बाद ऊपर आ गए, अपने ही कॉन्डो में एक साल बाद निकल रहे। ये टेनिस बच्चे खेल रहे हैं, उधर जॉगिंग हो रही है, इसका मतलब हम बच्चों को ला सकते हैं। और स्विमिंग पूल, यस, अभी हम ला सकते हैं, एंड आई थिंक वी शुड। This matters is insane, why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights. इस तरफ सूरज ढल रहा है और ऊपर चांद भी निकल रहा है, निकल चुका है। हमारी बिल्डिंग में ये छोटा सी मिनी मार्ट है, तो ये मोस्टली हर कॉन्डोमिनियम में होती हैं,
तो अभी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, इधर जाने के लिए मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपेयर करें प्राइस के हिसाब से, तो प्राइस और बाहर की प्राइस और इधर की प्राइस में डिफरेंस आता है। अगर बाहर एक चीज़ 1 रुपए की मिल रही तो वो आपको यहाँ पर 1 रिंगिट और 1 सेंट, हाँ 2 रिंगिट की। वाह मारिया, मैं ये दिखाना चाह रहा था, व्यू देखें सर, व्यू देखें सब। Untold stories, they were left behind. मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपना मोबाइल नहीं लाया स्कैन करने के लिए, वरना आपको इसका भी एक क्विक छोटा सा टूर देते। ये आप जो देख रहे हैं जानवर, इनके साल होते हैं चाइनीज़ के, कभी चूहे का हो जाता है, कभी बंदर का हो जाता है, कभी खरगोश का होता है, कभी घोड़े का, कभी गाय का। तो ये साल जी इनका गाय का है। अब आकाश जो है वो पे करेंगे। अगर मैं यहीं खड़ी रही ना तो बेल बजती रहेगी। जी मैं आ गया हूँ, असल में मैंने नहीं जाना था अंदर, लेकिन पैसे मेरे पास थे तो मरिया को जाना पड़ा। मास्क उतार दो तो बेहतर है, अभी रात होने को है और पार्टी शुरू होने को है। आपको भी दिखाता हूँ, ये सनसेट हो रहा है जी ना, अभी अच्छा लगेगा। Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. चांद और ये छोटा सा, अगर मैं पॉइंट करूँ स्टार, और साथ में सनसेट। Is insane. Why are you still living vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. ये है कि अंदर से आपको दिखाते हैं बैडमिंटन हॉल, अगर कोई खेल रहा हो तो पता चल जाएगा। हाँ जी खेल रहे हैं दो, क्योंकि यहाँ के मलेशिया के बहुत ही फेमस जो हैं प्लेयर्स रह चुके हैं, बल्कि हैं जो ओलंपिक्स भी जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीत चुके हैं। तो मलेशियन जो हैं वो बैडमिंटन बहुत शौक से खेलते हैं। अंधेरा हो गया, लेट्स सी। डिनर हमारा हो चुका है, इसलिए हम हाँ जी डिनर हो चुका है। यार इधर भी कोई आ गया, पहले ये स्कूल होता था, आई थिंक इधर कुछ बन रहा है। अगेन से फिर से आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल मोटिवेशन के लिए, आप लोग का जो शेयर करना होता है बहुत अच्छा लगता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, गुड नाइट।